19th कर रहा हूँ, 19th इज टाइम 2/3x cos क्यूब x इंटू dx। अब हर समय क्वेश्चन देखते ही ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि किस फॉर्मेट में लिखे, कि कुछ एज्यूम करे कि t के टर्म्स में आ जाए। भाई cos स्क्वायर x इंटू cos x dx, ये पार्ट इसे साइन में चेंज कर सकते हैं। सो साइन 2/3x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ये थोड़ा सेज सजा दिया अच्छे तरीके से कि किस तरह से अजम्पशन लेना चाहिए। सो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो टी 2/3 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। भाई ये ब्रैकेट ओपन कर दो। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी 2/3 माइनस 2 + 2/3 6 to 8/3 टी 8/3 इंटू डी टी। भाई अब आगे कर लोगे 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 माइनस टी 8/3 + 1 अपॉन 8/3 + 1 + c, फिर रिप्लेस कर दोगे आंसर आ जाएगा कॉस 2x। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े वाले टर्म को आगे लिखूं, कॉस 6x इंटू कॉस 4x, ये 2 बाहर लिखा तो 1/2 डिवाइड कर दिया। आधा से ज्यादा ये ट्रिग्नोमेट्री की सिंप्लीफिकेशन है। दिस इज कॉस 10x माइनस सॉरी प्लस कॉस 2x इंटू dx 1/2। दिस इज कॉस 10x इंटू कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x होल इंटू dx। भाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज आई रिमेम्बर दी फॉर्मूला लाइक दैट ओनली, तो इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक है। सो दिस इज 1/4 2 cos a cos b is cos a plus b, so it is cos 12x plus cos 8x, 2 cos per x is 1 plus cos 4x into dx, by हर एक की इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगी। cos, so this is sin 12x upon 12 plus cos sin 8x upon 8 plus x sin 4x upon 4 plus c. cos 2x upon cos x, तो पहले ये करने की कोशिश करते हैं। cos 2x can be written as 2 cos square x minus 1 upon cos x into dx. So this will give you 2 cos x and integration of cos x 1/cos x मतलब secant x dx, दोनों का फॉर्मूला डायरेक्टली है भाई। सो इट इज 2 sin x माइनस sec x का क्या है भाई, log sec x plus tan x plus c, क्लियर है भाई।
by cos square raised to the power 4. So it is 1 minus sine square x raised to the power 4 upon sine x to dx. Normally इतने बड़े आते ही question नहीं है, but दो बार करेंगे. Let sine x is equal to t, so cos x dx is equal to dt. So 1 minus t square raised to the power 4 upon t into dt. So ये आ जाएगा 1 minus 2 t square plus t 4 का square upon t into dt. फिर a plus b plus c whole square का formula भाई. So it is 1 plus 4 t 4 plus t 8 minus 4 t square minus 4 t 6 plus 2 t 4 whole divided by t into dt. और सबके साथ लगाते जाएंगे 1 upon t plus 4 t cube plus t 7 minus 4 t minus 4 t 5 plus 2 t cube. और इसके बाद सबकी इंटीग्रेशन कर देंगे. क्लियर है भाई ये cos x? भाई मुझे बहुत सारे लोग लग रहा है कि क्वेश्चंस कर नहीं रहे हैं. आप दिमाग में बैठा लेना भाई कि आप बाद में कवर अप नहीं कर सकोगे, ये पक्की बात है. ठीक है, स्कूल वालों को कराने में इतना टाइम लगेगा नहीं और आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है अगर आप खुद से पेन नहीं चलाओगे तो. फिर बाद में आप बोलोगे कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, इंटीग्रेशन पूरा करना है, तो कोई नहीं करा पाएगा भाई. कॉस टी माइनस ए लिख सकते हैं और ये लिख लेंगे कॉस टी इंटू डी टी. भाई ऊपर एक्सपांड कर दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन टी साइन ए. फॉर्मूला सही लिखा है भाई, दोनों के साथ कॉस टी लगा दे रहे हैं इंटू डी टी. ये और ये कट गया. सो दिस इज टी इंटू कॉस ए प्लस साइन ए. ये कितना हो गया भाई, टैन हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ टैन कितना होता है भाई, लॉग सेक एक्स. भाई टी की वैल्यू आप वापस डाल दो, एक्स प्लस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग प्लस ए. इसमें भी आप देखोगे आंसर में शायद केवल एक्स कॉस ए लिखा हुआ होगा. भाई ए कॉस ए ये कांस्टेंट के साथ मिला दें, प्लस साइन ए लॉग सीकेंट एक्स प्लस ए प्लस सी. सेम ही चीज है कि एक टी नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं बस. ये पूरे को ए समझो और इसको बी. स्टिल यू विल लैंड अप एट द सेम थिंग. ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आप एक अजम्पशन से बच सकते हो, दैट इज द एडवांटेज. ठीक है,
तो देन यू वुड स्ट्रेट अवे राइट दिस इज एक्स कॉस ए और ये टैन आ गया साइन ए लॉग सेकेंट एक्स प्लस ए प्लस सी। क्लियर है भाई? भाई 30th क्वेश्चन अभी कर रहा हूं बट इसका एक और मेथड है, वो जब फॉर्मेट कराऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। नाउ ऐसे क्वेश्चंस में वन वे ऑफ डूइंग इज कि आप इसे एक सिंगल टर्म में लेके आओ, दैट इज वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू साइन एक्स, वन अपॉन रूट टू डी एक्स, दिस कैन बी रिटन एज कॉस फाइव बाई फोर कॉस एक्स माइनस साइन फाइव बाई फोर इंटू साइन एक्स, सो वन बाई रूट टू इंटू डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस फाइव बाई फोर, ये आएगा। सो दिस इज वन अपॉन रूट टू सीकेंट एक्स प्लस फाइव बाई फोर इंटू डी एक्स, सो वन बाई रूट टू लॉग सीकेंट एक्स प्लस फाइव बाई फोर प्लस टैन एक्स प्लस फाइव बाई फोर प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी लो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू थ्री से मल्टीप्लाई करो और थ्री से डिवाइड करो, सो वन अपॉन थ्री डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, सो दिस इज वन अपॉन थ्री टैन इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापस डाल दो। भाई आपने इतने क्वेश्चन किए बट अभी भी आपकी इस क्वेश्चन की औकात नहीं है, जितना मैंने सिखाया है आपकी x into e raised to the power x into dx इसकी औकात नहीं है। Now this is something like derivative में कोई product rule चलाते थे ना, यहां पर इसे बोलते हैं integration by parts, यही बोलते हैं ना भाई, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहने का मतलब है कि आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते कि इंटीग्रेशन में दो प्रोडक्ट में दे रखा हो तो एक्स की इंटीग्रेशन और साइन एक्स की इंटीग्रेशन लिख दे, ये नहीं कर सकते, ठीक है। यू रिक्वायर टू अप्लाई अ रूल। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर दो फंक्शन दे रखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाय डीएक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स होल इनटू डीएक्स, आधे लोगों की फॉर्मूला देख के गीली हो जाती है, बट इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको लग रहा है, और लग रहा है कि फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बहुत मुश्किल होगा, ऐसा है नहीं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में करने की कोशिश कर रहा हूं पहला। नाउ पहला है चॉइस, चूज विच टू बी फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। भाई देर इज नो रूल एज सच, बट कोशिश ये होती है कि इंटीग्रेशन आसान हो,
take it as second function. ये पहला रूल यही है, ठीक है, कि कोशिश ये करते हैं कि जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो उसे सेकंड फंक्शन। आइलेट इज अ कन्वीनियंस, ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, ये दिमाग में बैठा लेना। देर आर क्वेश्चंस विच यू डू नॉट फॉलो आइलेट रूल एंड स्टिल योर क्वेश्चन वुड बी डन, वो भी मैं क्वेश्चन करूंगा ऐसे। नाउ ये प्रेफरेंस है फॉर फर्स्ट फंक्शन, प्रेफरेंस फॉर फर्स्ट फंक्शन। ये आइलेट याद रखने की कोशिश करना, दिस इज इनवर्स को सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, लॉगरिथमिक, एलजेब्रिक। भाई एलजेब्रिक कौन से हो गए, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, थ्री एक्स, वन, टू, ये सारे। टी इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई इज एक्सपोनेंशियल। जैसे e raised to the power x वाले टर्म, ठीक है, दैट वी ट्राई एंड चूज। अब ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता हूं। नाउ x sin inverse x में भाई ये आपको दिख रहा है, दिस इज योर एलजेब्रिक एंड दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एलजेब्रिक पहले है, सो आई वुड टेक दिस एज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज सेकेंड फंक्शन। डायरेक्टली फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप हमेशा ही पूरा लिखने की कोशिश करें, x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, तो ये लिख दिया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस इज वन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माइनस, सो वन इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स का एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आंसर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। भाई ये फर्स्ट होगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स। एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस x की वन हो गई और ई एक्स की ई एक्स ही हो गई, सो x इंटू ई रेज पावर x माइनस ई रेज टू द पावर x प्लस सी। आंसर क्लियर है भाई, ये व्हाट अबाउट, एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर कॉस x इंटू डी एक्स। तो ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, तो इट इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स। भाई ये एक्स स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स माइनस ये आ जाएगा 2x cos x का sin x इंटू डी एक्स। भाई अब देखो अभी भी दो टर्म्स हैं इसके अंदर, दिख रहा है, फिर से लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस सॉरी इंटू डी एक्स माइनस d by dx of x into integration of sin x dx whole into dx।
x square sin x minus 2 x माइनस आ जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये वन हो गया, साइन एक्स का क्या आ जाएगा प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स का वापस साइन एक्स, मैं एक स्टेप जंप कर गया भाई, प्लस सी, बट यू कैन मल्टीप्लाई यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, क्लियर है भाई ये। नाउ 2x cube into e raised to the power x square into dx, और ये कोई मैं 18th question है, ये करने की कोशिश कर रहा हूं। अब directly करना मुश्किल काम है, but can I write this as 2x x square e x square into dx? Now, can I assume let x square is equal to t? So, ye 2x dx would become equal to dt. ठीक है, ये हो गया dt. X square क्या है? T, और ये क्या आ गया? E to the power t into dt. अब इसकी बाई पार्ट्स कर लेंगे, सो इट इज टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर टी इंटू डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टी इंटू डी टी होल इंटू डी टी, सो टी इंटू ई रेज पावर टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी वन, और ये डायरेक्टली ई टी लिख दे, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया वही है भाई बेसिकली, प्लस सी, टी की वैल्यू वापस डाल दो, सो एक्स स्क्वायर इनटू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द आंसर। कहने का मतलब है कि आगे चल के आपको अजम्पशंस भी साथ साथ में उठाने पड़ेंगे, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू रिक्वायर टू डू।